क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि बच्चों को फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरह पैदा किया जा सकता है? आज का मेरा ये वीडियो आपको चौंका कर रख देगा, क्योंकि आज ऐसे ही जुड़े कुछ सच मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज का बेहद ही खास वीडियो शुरू करते हैं। जीवन का चमत्कार 40 हफ्ते लंबी एक प्रक्रिया, जिसमें आप एक सेल से बदलकर एक पूरी तरीके से विकसित इंसान बने, ये सब हुआ आपकी माँ के गर्भ के अंदर। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक आर्टिफिशियल गर्भ में जन्मे हो, एक ऐसी विकसित मशीन जो न केवल गर्भ की जगह ले सके बल्कि गर्भ के वातावरण को भी बेहतर बना सके। जरा सोच कर देखिए। आज के सीरीज में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सच बताने जा रही हूँ जो आज से पहले कभी आपने इमेजिन भी नहीं करे होंगे। अगर हम आर्टिफिशियल गर्भ के जरिए बच्चे को जन्म दे रहे हैं और बच्चों को तकनीक के जरिए दुनिया में ला रहे हैं, हमें आर्टिफिशियल गर्भ से क्या फायदा मिलेगा? क्या इसमें कोई बुराई नजर आती है? क्या आप इस जीवन में ऐसा होते देख पाएंगे? हम आर्टिफिशियल गर्भ के जरिए जन्म दे सकते हैं, आपको खुद के गर्भ में रहने के महीने याद नहीं होंगे, लेकिन ये तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि आप एक पारंपरिक गर्भ से ही इस दुनिया में आए होंगे। अब क्या होता है अगर आपका जन्म एक नई नवेली तकनीक वाले आर्टिफिशियल गर्भ से हुआ हो? आपको एक साइंस बेबी होने के क्या फायदे मिल सकते हैं? इससे पेट में पल रहे बच्चे यानी भ्रूण को एक ऐसा वातावरण मिल सकता है जिसमें अच्छे तरीके से नियोजित हार्मोन और पोषण बच्चे को दिए जा सके और बच्चे को किसी तरह का कोई संक्रमण या बीमारी छू भी ना सके। आर्टिफिशियल गर्भ की तकनीक से समलैंगिक जोड़े और शादी के बिना रह रहे पुरुष बच्चे का सुख उठा सकते हैं, और वो भी किसी माँ की जरूरत के बगैर। इसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं या फिर वो महिलाएं जिनकी जन्म के साथ किसी बीमारी या फिर हादसे की वजह से बच्चेदानी नहीं रही, उन्हें भी बच्चों को पालने का एक सुख प्राप्त होगा। लेकिन इस तकनीक से जन्मे बच्चों को क्या क्या फायदे मिलेंगे? आर्टिफिशियल गर्भ पर शोध के पीछे सबसे अहम वजह है वक्त से पहले जन्मे बच्चों को सही देखभाल दे पाना। 2017 में फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भ्रूण सर्जन डॉक्टर एलन प्लैक ने एक प्रयोग किया था जिसमें एक उल्बी थैली यानी बायो का इस्तेमाल हुआ था। इसके जरिए मेमने के भ्रूण को एक साफ तरल में रखकर उसे पोषण से भरा खून पहुँचाया गया था। ये प्रयोग 23वें से 27वें हफ्ते के इंसानी गर्भ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जब उन्हें बायो बैग से निकाला गया तो ये मेमने ऐसे ही बड़े हुए जैसे आम गर्भ से निकले दूसरे मेमने। कितने प्यारे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें इसका ध्यान भी रखना होगा कि कहीं आर्टिफिशियल गर्भ के इस्तेमाल में कोई हानि तो नहीं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? अगर आर्टिफिशियल गर्भ का इस्तेमाल आसान और कम कीमत में होने लग जाए तो समाज में बहस की नई मुद्दे बनेंगे। नंबर 1, नैतिकता, विज्ञान, तकनीकी, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक ढांचा और अर्थव्यवस्था, इन सब से जुड़े लगातार होते विवाद हमें घेर लेंगे। डिट्रॉइट मेडिकल सेंटर के बच्चों के डॉक्टर संजय चावला के मुताबिक एक आर्टिफिशियल गर्भ में लेबर के वक्त पड़ने वाला माँ का असर या हार्मोन और बायोलॉजिकल सिग्नल जैसी चीजें नहीं हो सकती। इन सब के ऊपर अगर आर्टिफिशियल गर्भ का इस्तेमाल गलत तरीकों या गलत वजहों से हो तो हम एक भयानक आपदा की तरफ बढ़ सकते हैं। नंबर 2, इससे बच्चे बनाने वाली फैक्ट्रियां तक वजूद में आ सकती हैं, जहां बच्चों को बनाया और बेचा जाएगा। आर्टिफिशियल गर्भ की संख्या बढ़ने से समाज में कई तरह के विवाद जन्म ले सकते हैं। इस बहस में ये सवाल भी होगा कि क्या माँ के गर्भ से जन्मे बच्चों और आर्टिफिशियल गर्भ से जन्मे बच्चों के लिए एक जैसा मानक रखना चाहिए, या क्या होगा अगर गर्भ में पलते वक्त कुछ हो जाए। नंबर 3, और क्या पैसे वाले लोग प्राकृतिक प्रक्रिया के खतरों से बचने के लिए आर्टिफिशियल गर्भ का इस्तेमाल करने लगेंगे? इस बारे में सोचने का भी बहुत वक्त है, लेकिन क्या सच में हम अपने जीवन में ये सब होते हुए देख पाएंगे? एंडोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इसे लेकर शोध पहले ही शुरू हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे तरीके पर काम हो रहा है जिससे शिशुओं के लिए आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर मुहैया कराया जा सके, ऐसा इंक्यूबेटर जो एक गर्भ की जगह ले सके। इस तरीके को एक नार से जुड़ी नकली प्लेसेंटा के जरिए पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो ये शोध 5 साल जारी रहेगा और फिर इंसानी शिशुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आर्टिफिशियल गर्भ के वातावरण में बच्चों को वैसा ही माहौल मिलेगा जैसा एक असली गर्भ में मिलता है। जो भी हो, इसे कोई ना कोई बदलाव तो आना ही है। लेकिन अगर हमने अपनी
प्रीमेच्योर शिशुओं के लिए ये तकनीक विकसित की तो एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। इससे हम आगे कई चीजों को आर्टिफिशियल तरीकों से बना पाने के लिए सोच सकते हैं। शायद धरती को बर्बाद कर देने के बाद एक दिन हम अपने एक आर्टिफिशियल ग्रह को भी बना पाएं। खैर, ये सब तो आगे की बातें हैं। आपका क्या कहना है? क्या आपके हिसाब से इस तरीके की गर्व को दुनिया में लाना चाहिए या फिर नहीं? और अगर हाँ, तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? और अगर आपका जवाब है नहीं, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।